बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेंगलुरु से रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट ये मामला है, कल हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। पुलिस ने इस मामले में बड़ी खबर अपडेट ये है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के लिए बेंगलुरु से खबर आप देख रहे हैं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट ये मामला बताया गया था जांच के बाद कि एक बैग रखा गया था, उसमें एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट जरूर हुआ है, लेकिन इस मामले में जांच तेज होते हुए आज एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है और सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द जिस व्यक्ति ने भी वहां पर बैग रखा था और लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट किया है उसको जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में लिया जाए। कल वहां पर काफी चहल पहल थी, रेस्टोरेंट था और लोग बैठे हुए थे और वहां पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं।